हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनूप सिंह आपको लेकर आया हूं एक बार फिर दिखाने के लिए द्वारका ग्रीन वैली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर सामने आपको पार्क फेसिंग में आज ईस्ट फेसिंग में डुप्लेक्स दिखा रहा हूं जो कि 103 वर्ग गज में 3 BHK प्लस स्टडी। और देखे जाए तो इसका अगर 20x46 इसकी डेप्थ है। तो आइए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और रोड की बात करें तो यहाँ पे आपको रोड 25 फीट मिल जाता है। पार्क की बात में देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोड है, दोनों साइड आप कार पार्किंग वगैरह सारी चीज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सामने आपको दिखाते हैं। फ्रंट में आपको कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है जिसमें देखा जाए तो 18 फीट की लगभग कार आ सकती है, लगभग इनोवा क्रिस्टा गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप वॉश बेसिन वगैरह लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ भी अपना एक छोटी सी गाड़ी लगा सकते हैं जैसे एक्टिवा वगैरह। यहाँ से आपको दो एंट्रेंस मिल जाते हैं, एक जस्ट सामने कार पार्किंग है और एक आपको इधर से भी मिल जाती है। जस्ट यहाँ से कार पार्किंग से हम स्पेस में एंटर होते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ड्राइविंग रूम और लॉबी कंबाइंड मिल जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ से जो हमारा मेन एंट्रेंस रहता है ये रहता है, और पूरा आप देख सकते हैं डुप्लेक्स में आपको ये पूरा एरिया मिल जाता है। फॉल सीलिंग लाइट्स हम लगाकर पूरा दे रहे हैं। किचन आपको यहाँ पर फुली मॉडर्न मिल जाता है, लव चिमनी है। एक एरिया पूरा देखिए, पूरा वीडियो वहां पर दिखाइए इधर से आकर। फर्स्ट बेडरूम में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है बेडरूम जो की आपका 10.5x11 का साइज है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है जो काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाता है, वेस्टर्न सीट के साथ में यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं फिटिंग के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग मिल जाती है। अगर पानी की बात करें तो यहाँ पे जगह है जो कि मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं खारा पानी वगैरह, पानी का टेस्ट काफी अच्छा दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम किचन में। किचन का देखिए, किचन हम मॉडल पूरा बना के दे रहे हैं और चिमनी का हमने स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है जो कि काफी अच्छा। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेनाइट मिल जाता है काफी। और यहाँ से हम वॉशिंग एरिया में चले जाते हैं जो कि हम अगर फ्रिज वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पर इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेस अच्छा है। यहाँ पर हम अपना बड़ा वाला फ्रिज वगैरह है, कुछ और भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। और किधर हमारा ये स्पेस पूरा वॉशिंग एरिया के लिए हो जाता है, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जस्ट कैमरा को उधर देखिए और पूरा किचन को एक बार इधर से दिखा दीजिए। और एक बार हम पूरा दिखा देते हैं ये। तो गाइस हमें ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर कॉमन एरिया है, और यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का यूज किया है। यहाँ पर हमें एसएस की रेलिंग ऊपर तक मिल जाती है और ग्रेनाइट काफी अच्छा यूज हुआ है जो कि देख सकते हैं इसकी लेंथ भी काफी मतलब स्पेस है, आप ऊपर जाने में आराम से सामान वगैरह सारी चीज ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमें किचन के ऊपर पार्ट में मिल जाता है स्टडी रूम जो कि छोटा रूम है। ये हमारा कोई भी स्टडी रूम के लिए काम आ सकता है या फिर स्टोर रूम के लिए काम आ सकता है। यहाँ से हम आ जाते हैं वॉशिंग एरिया में और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा जाल दिया है, ऐसे ही नीचे भी दिया है। और ये स्पेस भी यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। एक बार पूरा दिखा दीजिए अंदर आके। तो गाइस जब हम चलते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम हमारा सेम नीचे साइड होगा वही साइड में हमें यहाँ पे मिल जाता है। काफी अच्छा यहाँ भी फर्स्ट सीलिंग में क्या है आप देख रहे हैं, अलमीरा वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस जगह लोगों ने काफी अच्छी यहाँ पर अलमीरा वगैरह सेट की है जो कि स्लाइडर वाली होती है। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद जहाँ हमें अटैच वाले बेस्टर एक यहाँ भी मिल जाता है, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में यहाँ भी अच्छा दिया हुआ है जो भी अच्छी फिटिंग वगैरह शावर वगैरह का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हमने इस पार्ट को डाउन में रखा है और इसको थोड़ा हाइट जिससे कि वाटर का जो फ्लो रहेगा वो इस साइड रहेगा। अब हम चलते हैं जो बालकनी में एक रूम दिया हुआ है उसको भी दिखा देते हैं, मगर उससे पहले हम दिखाते हैं लॉबी।
तो चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं टेरेस पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस में टेरेस रहना बहुत जरूरी है और उससे बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि फ्लैट में उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने बताया था, पीछे की साइड में हमने ग्रेनाइट का वर्क कराया हुआ है, ऐसे ऐसे हेलिंग आपको ऊपर वापस सारी मिल जाती है। आप यहाँ भी कुछ अलमीरा वगैरह कुछ बना सकते हैं, जैसे सामान हमने लिए जस्ट काफी अच्छा स्पेस ये भी दिया है, और यहाँ पे लोहे का डोर लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है छत, जो कि इंडिपेंडेंट की खासियत होती है कि आपको अपनी छत मिल जाती है, अपनी जमीन मिलती है। यहाँ पीछे की बात करें तो हमें बैकयार्ड में मिल जाती है जो कि निखिल पैराडाइज, काफी ओल्ड कॉलोनी है, लगभग 15 साल। सामने जब बात करें तो आपको अंसल कोर्टयार्ड मिल जाती है, और फ्रंट दिखा देते हैं आपको बाहर से। तो हम डुप्लेक्स की सबसे टॉप ऑफ मोस्ट उस टेरेस पे आ चुके हैं, यहाँ पर का व्यू आप देख रहे हैं, एक बार हम पूरा व्यू दिखा देते हैं पार्क का और कॉलोनी का। तो गाइज अब आ जाते हैं इस हाउस की प्राइस वगैरह पर और लोकेलिटी कहाँ पर, तो मैं बात करूँ तो ये शास्त्रीपुरम में आपको मिल जाता है, शास्त्रीपुरम में सी वन ब्लॉक में। अगर नियरेस्ट लैंडमार्क की बात करें तो यहाँ पर लैंडमार्क आपको मिल जाता है निखिल पैराडाइज एंड अंसल कोर्टयार्ड, काफ़ी फेमस है। और स्कूल की बात करें तो यहाँ पर सचदेवा मिलेनियम स्कूल मिल जाता है एंड थॉमसन पब्लिक स्कूल मिल जाता है, और भी कॉलेज आपको 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं। और अब इसकी प्राइस के लिए आ जाते हैं, तो गाइज ये आपको हाउस ईस्ट फेसिंग में 103 वर्ग गज में आपको 3 BHK प्लस स्टडी आपको पड़ेगा लगभग 75 का, जो उनकी आस्किंग प्राइस है। तो अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा पूरा स्क्रीन पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो बाय या सेल करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर लोन की भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो लोन के लिए भी हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। तो आपको किस तरीके का ये वीडियो लगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ व्यू, वो देखिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी तरीके के और ज़्यादा वीडियो में।